गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज संस्कृत का नपुंसक लिंग पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। नपुंसक लिंग में ये लेसन थर्ड का ही है आपका, ठीक है। टॉपिक देखो, लिंग ना तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। तो नपुंसक लिंग में पुल्लिंग तो आप लोग जानते हैं कि जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, और स्त्रीलिंग वे होते हैं जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, ठीक है। और नपुंसक लिंग वो होता है ना जिससे ना तो स्त्री जाति का बोध होता है ना तो पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है। मतलब जिसमें जान ना हो, ठीक है, जिनमें लाइफ ना हो, जीवन ना हो, वो नपुंसक लिंग होते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ हो गई, किसी चीज़ का नाम हो गया, तो वो नपुंसक लिंग में आते हैं, ठीक है। ना तो वो स्त्रीलिंग होते हैं और ना ही पुल्लिंग होते हैं उनसे, तो उनसे वो उसे नपुंसक लिंग कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, ये है इदम आम्रम अस्ति। आम्रम किदृशम अस्ति, अब ये आम है, उद्यानम है, भारत है, और वायुयानम है, कमल है, पत्रम है, तो ये क्या है, स्त्री है कोई नहीं, क्या पुल्लिंग है नहीं, तो ये नपुंसक लिंग कहलाता है, ठीक है। ये नपुंसक लिंग कहलाता है क्योंकि, ठीक है। अब देखो, मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, आप लोग साथ में पढ़ेंगे और समझेंगे। इदम आम्रम अस्ति, अब देखो इदम आया है, आप लोगों ने अयम पढ़ा है, ठीक है, एशा पढ़ा है, उसके बाद इयम पढ़ा है, अब आ गया इदम, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब यह है, ये सब यह की संस्कृति सब में बताई गई है कि क्या ये यह की संस्कृति है। तो आप लोगों को पता है, इयम मैंने बताया अभी अभी आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में, कि जो इयम है, इयम भी स्त्रीलिंग के साथ, अकारांत स्त्रीलिंग के साथ यह की संस्कृत इयम प्रयोग की जाती है, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग के साथ यह की संस्कृत अयम प्रयोग की जाती है, और अकारांत पुल्लिंग के साथ यह की संस्कृत एषः भी प्रयोग की जाती है, ठीक है। और अब नपुंसक लिंग में आता है, तो नपुंसक लिंग में जो यह की संस्कृत होती है वो इदम प्रयोग की जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि नपुंसक लिंग में जो यह की संस्कृत है वो इदम प्रयोग की जाती है, ठीक है। अब देखो, इदम आम्रम अस्ति, यह आम है। आम्रम किदृशम अस्ति, आम कैसा है, कैसा दिख रहा है। आम्रम मधुरम अस्ति, आम बहुत ही मीठा दिख रहा है। इदम उद्यानम अस्ति, यह उद्यान है, यानी कि बगीचा है, ठीक है। उद्यानम किदृशम अस्ति, उपवन कैसा दिख रहा है। उद्यानम सुंदरम अस्ति, उपवन बहुत ही सुंदर दिख रहा है, ठीक है। इदम मानचित्रम अस्ति, मानचित्रम कस्य देशस्य अस्ति, मानचित्रम भारत देशस्य अस्ति, ये बोल रहा है। इदम मानचित्रम अस्ति, यह नक्शा है। मानचित्रम कस्य देशस्य अस्ति, यह नक्शा किस देश का है, तो इसका होगा आंसर मानचित्रम भारतस्य अस्ति, यानी कि भारत सही अस्ति, यानी कि भारत का है, ठीक है। फिर है इदम वायुयानम अस्ति, यह हवाई जहाज है। वायुयानम कुत्र गच्छति, वायुयानम कहाँ जा रहा है। वायुयानम गगने गच्छति, वायुयानम गगन में जा रहा है, ठीक है, जाता है। फिर है इदम कमलम अस्ति, यह कमल है। कमलम किदृशम अस्ति, कमल कैसा दिख रहा है। कमलम सुंदरम अस्ति, कमल बहुत ही सुंदर दिख रहा है। फिर आता है इदम पत्रम अस्ति, इदम पत्रम अस्ति, यह पत्ता है। पत्रम किदृशम अस्ति, पत्ता कैसा दिख रहा है। पत्रम हरितम अस्ति, पत्ता हरा दिख रहा है या हरा है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का नपुंसक लिंग, मैंने बता दिया है आप लोगों को कि क्या होते हैं। तो आप लोग पढ़ेंगे, और जो इसका नेक्स्ट वीडियो जाएगा आप लोगों का एक्सरसाइज का जाएगा, तब तक आप लोग इतना रीडिंग करेंगे, जो नहीं समझ आता है वो कमेंट करके पूछेंगे। ओके, थैंक यू।